और एक साउथ का बड़ा एक्टर को कास्ट किया है थलावती 69 में। और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के डे 13 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नेटफ्लिक्स पे कब रिलीज होने वाला है सारी बातें आपको बताता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखो। पहले बात करें द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में तो वेंकट प्रभुसा की डायरेक्ट में बनी ये फिल्म 400 करोड़ प्लस की तो कलेक्शन कर चुका है और अभी डे 13 के ऑफिशियल कलेक्शन निकल के आया है वो है 426.42 करोड़ प्लस और बहुत जल्दी ये 500 करोड़ भी क्रॉस करने वाला है। और अब बात करें अक्टूबर के सेकंड वीक पे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है वो भी 3 घंटा 40 मिनट के ड्यूरेशन के साथ और ये एकदम ऑफिशियल अपडेट है। और अब बात करें थलावती 69 के बारे में तो एचबीओ सर के डायरेक्ट में बनी ये फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाला है क्योंकि ये फिल्म थलावती भी सर की लास्ट फिल्म है। रिपोर्ट के अनुसार ये एक पॉलिटिकल और कमर्शियल मास फिल्म है। अब बात करें न्यू कास्ट के बारे में तो गिल्ली और भारीसुमु के जो विलेन थे यानी प्रकाश धर सर का थलावती 69 में इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है और थलावती 69 का शूटिंग अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाने वाला है। और ऐसे थलावती भी सर से लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं और एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।